हेलो भाई, मेरा नाम है मयंक देशवाल। आज हम बात करने वाले हैं भाई आपकी यसडी की स्कैमलर के बारे में। ठीक है भाई, तो इसी के ऊपर आज की अपनी पूरी वीडियो फुल बैकग्राउंड रिव्यू मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ। तो बाइक की जब हम अगर की बात करते हैं तो आपके अंदर भाई यसडी के अंदर स्कैमलर के अंदर आपको इस टाइप से आपको की आ जाती है। ठीक है, यसडी के अंदर दो मॉडल आते हैं, एक आपका स्क्रैम्बलर है और एक आपका ये आता है एडवेंचर मॉडल। ठीक है, फ्रंट के अंदर देखोगे तो इसके अंदर भाई आपको LED लाइट्स देखने को मिलेंगी। साइड में टर्न इंडिकेटर्स जो दे रखे हैं ये भी आपकी LED के अंदर हैं। बाइक के अंदर आपको भाई टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे शॉकर फ्रंट के। साइड में यहाँ पे आपके बाइबर के भाई डिस्क जो है वो लगे हुए हैं। साइज़ की अगर आप बात करते हो फ्रंट टायर की, फ्रंट टायर आपको 100x19 इंच का आपको इसके अंदर भाई स्पोक व्हील्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर आपको डुअल जो है फ्रंट के अंदर मडगार्ड लगा के दे रखे हैं। यहाँ पे आप देखो ये आपका फ्रंट का मडगार्ड है इस तरीके में, आपका फाइबर के अंदर है ये आपका जो है, ये भी आपको पूरा फाइबर के अंदर दिया गया है। यहाँ पे आपकी जो है फ्रंट की नंबर प्लेट जो है वो लगेगी। देन एक बार मैं आपको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका लोगो लग रखा है SD का। इनसे अगर आप बात करते हो तो इसके अंदर भाई आपको 350 cc का इंजन आता है जो कि आपको 31 BHP की पावर और 28 Nm का आपको टॉर्क मिलता है इसके अंदर। ठीक है, तो पावर तो आपको भरपूर इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। साइड में यहाँ पे देखोगे तो इस साइड में आपको लगा रखा है भाई हॉर्न। ठीक है, जो कि आपके जस्ट इंजन के ऊपर ही है और बिल्कुल एकदम साइड में हॉर्न है, और वो क्या होता है एकदम फ्रंट में रखते हैं, इसका साइड में आपको हॉर्न दे रखा है। साइड पैनल्स में आपको स्कैम्बलर की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपको लोगो मिल जाएगा और लोगो के ऊपर आप पढ़ सकते हो लेजेंडरी SD लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो भाई ये लेजेंडरी आइटम है। बाकी आप इसके फुटरेस्ट वगैरह देख सकते हो, इस तरीके से आपके रियर पिलियन के लिए फुटरेस्ट है। फ्रंट का जो है आपका एडजस्टेबल फुटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर गियर शिफ्टर है जिसके अंदर आपको फर्स्ट आपका आ गया है। बाकी एग्जॉस्ट की बात करोगे तो इस टाइप से आपका एग्जॉस्ट आएंगे। यार एग्जॉस्ट देखने में ऐसा लग रहा है जैसे भाई बिल्कुल ही मतलब इसके अंदर कोई बूस्टर टाइप आपका एग्जॉस्ट लगाए हो। दो इसके अंदर एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं जो कि आपके राइट हैंड साइड में, देन आपका एक लेफ्ट हैंड साइड में। बाकी आपके कुछ गार्ड्स वगैरह लगे हुए हैं। रियर में देखोगे तो आपको गोल में इसके अंदर आपको LED की टेल लाइट्स आपको देखने को मिलेंगी। देन आपको LED के अंदर ही टर्न इंडिकेटर्स दे रखे हैं। यहाँ लगेगी आपके रियर की नंबर प्लेट। देन यहाँ पे आपको लगा रखा है आपका रिफ्लेक्टर्स, बाकी एक तरीके से यहाँ पे आपको ताकि जो पिलियन बैठता है ना उसके पीछे यहाँ पे कीचड़ वगैरह ना लगे उसके लिए यहाँ पे एक आपको गार्ड लगा रखा है। टायर की अगर आप बात करते हो तो उसके अंदर MRF का टायर आता है रियर के अंदर। ठीक है, साइज़ की बात करोगे तो 140x70R17 इंच का इसके अंदर भाई इसके अंदर आपको अलग भी दिए नहीं गए हैं, तार वाले आपको टायर आते हैं। रियर के अंदर भाई आपको डिस्क भी देखने को मिल जाएगा, फ्रंट और रियर में आपको डिस्क मिल जाएगा। भाई ब्रेकिंग सिस्टम भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। ये है इसका भाई ब्रेक ऑयल। ठीक है, बाकी आपको दोनों ही तरफ स्कैम्बलर की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ग्रैब हैंडल्स, ठीक है, ग्रैब हैंडल्स आपको यहाँ पर लगा रखे हैं। बाकी ओवरऑल लुक एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं इसका। ये है इसका रियर का भाई डिस्क ब्रेक का आपका लीवर। ठीक है, और लीवर के ऊपर भी आप देख दो किस शेप से आपको दे रखे हैं ताकि आपका जो स्लग वगैरह में अगर पैर वगैरह कीचड़ में अगर या फिर पानी वगैरह में आता है तो इससे आपका जो पैर फिसलेगा नहीं। ठीक है, आपकी ग्रिपिंग के लिए एक तरीके से बना रखा है। टैंक की बात करते तो SD का यहाँ पर आपको लोगो लगा रखा है। ये जो भी आप कलर देख रहे हैं ये डुअल टोन में कलर है आपका जो कि रेड और ग्रे कलर में। SD का यहाँ पर आपको लोगो लगा रखा है। बाकी आपके यहाँ पर टैंक पैड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लेजेंडरी SD लिखा हुआ है इस तरीके से। टैंक की कैपेसिटी की बात करते हो तो उसके अंदर आपको 12.5 लीटर का टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपको टैंक खोलना हो अपना तो इस तरीके से यहाँ से हटाओगे तो हमने की लगानी पड़ेगी आपको, और ये आपका टैंक जो है इजीली ओपन हो जाता है। अगर आप इसकी एवरेज की बात करते हो तो कंपनी इसका 35 का एवरेज जो है क्लेम करके देती है। ठीक है भाई, तो भाई 350 cc के अंदर फुल पावर बाइक आपको देखने को मिल जाएगी जो कि देखने में यार कितनी मस्त लग रही है बाइक एक तरीके से। देन आपको बाइक जो है इंजन ठंडा करने के लिए यहाँ पे आपका भाई रेडिएटर लगा रखा है। देन यहाँ पे डलता है आपका कूलेंट वगैरह। ठीक है, तो एक बार मैं आपको उसकी की और लगा के दिखा देता हूँ। देन यहाँ जो है आपकी की ऑन करोगे तो हाई लिखा हुआ आएगा। देन इस तरीके से आपका जो है कुछ डिजिटली मीटर आपको देखने को मिलता है। बाकी ये है इसका भाई हैंडल बार। अगर फीचर्स से तो भरपूर है, यहाँ पे आपको पावर कट और ऑफ का ऑप्शन है, ये आपके हजार लाइट ऑन करने का ऑप्शन है। इस तरीके से आपकी जो है चारों इंडिकेटर्स जो हैं ब्लिंक करने लग जाते हैं, तो ये भी आपका एक सेफ्टी फीचर है। बाकी यहाँ पे आपको एक सेल्फ का ऑप्शन दे रखा है। देन यहाँ से अपना जो है टूरिंग वगैरह अपना सबसे सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे ट्रिप ए ट्रिप बी देन ओडोमीटर यहाँ सब सेट हो। बाकी आपको ये इंडिकेटर्स दे रखे हैं। यहाँ पे हॉर्न की बात करोगे इस तरीके से आपका हॉर्न आ जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको दे रखा है आपकी पासिंग लाइट हाई बीम लो बीम। बाकी इसके अंदर आपको दो तरह के चार्जर मिल जाते हैं, एक तो USB टाइप आपको चार्जर मिल जाता है, बाकी आपको एक C टाइप चार्जर मिल जाता है।
भाई कैसे, अगर आप इसके ऑन रोड प्राइस की बात करते हो तो ये आपको 2,44,000 रुपीज़ की ऑन रोड आपको पड़ जाती है। बाकी अगर आपसे कलर, अगर कोई और कलर लेते हैं इसके अंदर, तो भाई कलर वाइज भी आपका इसके अंदर प्राइस जो है वेरी करता है। भाई गाइस, आई होप आप सबको अच्छी वीडियो अच्छी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर सब नए आए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और ऐसी नई लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। बाकी आई होप आप सबको अच्छी वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो सबके देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच।